हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर एक नई वीडियो के साथ। सभी को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको पंच पुष्पों का महत्व 5 मिनट में बताएंगे, क्योंकि गुरुजी कथा में बताते हैं तो हम लोग भूल जाते हैं, फिर बाद में सर्च करना पड़ता है। इसलिए हमने पाँचों फूलों का महत्व गुरुजी ने कैसे समझाया, कब चढ़ाना है, कैसे चढ़ाना है, सारा कुछ इकट्ठा करके 5 मिनट की वीडियो में इकट्ठा किया है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही दोस्तों के साथ शेयर करना। अगर आपका कोई सुझाव है तो हमें आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें। चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। शिव को जो ये पांच तरह के पुष्प समर्पित करे जाते हैं, पुष्पों की टंडी जो पीछे लगी होती है इसको तोड़ा नहीं जाता, शिव जी को चढ़ाते हैं। इसका स्मरण वंशवृद्धि के लिए, कार्य सिद्धि के लिए, वैभव प्राप्ति के लिए, या अपने हृदय की सुख समृद्धि के लिए, संतान प्राप्ति के लिए पारिजात हार श्रृंगार के फूल की शिव जी आराधना होती है। हार श्रृंगार का जो पुष्प होता है, अशुभ सुंदरी वाली जगह पर हम पारिजात के पुष्प को समर्पित करते हैं। उसकी टंडी का जो मुख है वो शिवलिंग की ओर होता है, जब अपन अशुभ सुंदरी पर चढ़ाते हैं, और फूल का मुख इधर होता है। उसी पारिजात पुष्प को उठाकर हम माता पार्वती जी के हस्त कमल पर, जो गोल हस्त कमल है, वहां समर्पित करते हैं। उस जगह पर माता पार्वती जी की ओर से जो पुष्प समर्पित किया जाता है, उसकी टंडी पारिजात की हमारी ओर होती है, पुष्प का मुख महादेव की ओर होता है। तीसरी जगह जब हम पारिजात के पुष्प को अशुभ सुंदरी में से उठाकर जगत जननी के हस्त कमल पर रखते हैं, हस्त कमल में से उठाकर देवदेव महादेव के शिवलिंग पर रखते हैं, उस समय पर पारिजात के पुष्प की टंडी शिवलिंग के ऊपर होती है और फूल का मुख अपनी ओर होता है। इस जगह पर पारिजात के पुष्प की टंडी के केसर से ही महादेव को त्रिपुंड लगाया जाता है और महादेव से प्रार्थना करते हैं। पुष्प है सोमवार की अष्टमी पड़ने पर यदि हम देवदेव महादेव की पारिजात के फूल से आराधना करते हैं, स्मरण करते हैं, तो उसका फल भी हमें अधिक प्राप्त होता है। कैलेंडर पर एक गोला बनाकर रख देना कि हमको ये शिवरात्रि आई है, हर महीने की शिवरात्रि तुम्हारे ध्यान में रहेगी। एक पारिजात का पुष्प, हार श्रृंगार का पुष्प, एक अगर देवदेव महादेव को आपने चढ़ाना चालू कर दिया, समर्पित करना प्रारंभ कर दिया, तो आपको पीछे पलट कर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, महादेव हाथ पकड़ेंगे। पति और पत्नी के संबंध बेकार हो जाते हैं, विवाद हो जाता है, अदालत में बात पहुंच जाती है, परिवार वालों पर दहेज का केस चालू हो जाता है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में कार्रवाई चालू हो जाती है। पति पत्नी में वापिस प्रेम को बढ़ाया जाए, उस प्रेम को बढ़ाने के लिए नियों के स्थान से जलाधारी तक जो कनेर के माला बनाकर स्पर्श कर लगा देता है शिवरात्रि के दिन प्रदोष काल के समय पर, उस पति पत्नी में कितना भी झगड़ा हो रहा हो, आपस में प्रेम बनना प्रारंभ हो जाता है, अदालत का केस धीरे धीरे। नीला कलर का जो पुष्प होता है, गुलाबी कलर का जो आंकड़े का फूल होता है, प्रयास करना जब किसी विषम परिस्थिति में फंस गए, विषम परिस्थिति, जब आपको लग रहा है कि मुझे बहुत भय लग रहा है, कुछ बुरा होने वाला है, आपको लग रहा है आज मेरी उल्टी आंख बहुत भड़क रही है, कुछ गड़बड़ होने वाला है, आपको लग रहा है मेरी सीधी आंख भड़क रही, कुछ गड़बड़ होने वाला है, तब केवल वो नीला जो गुलाबी पुष्प है मंदार का, उसको कहीं से लाकर शिवालय में अशुभ सुंदरी वाली जगह पर स्पर्श कर शिवलिंग पर आप चढ़ा दीजिए। आपकी विषम परिस्थिति कैसी भी होगी, वो रास्ता बनाकर बाहर निकल जाएगी। आपको फंसना नहीं। पांडवों ने अस्त्र शस्त्र की पूजन शमी के वृक्ष के नीचे करी, तो भगवान कृष्ण ने कह दिया, आज आपने पूजन करी है, विजयदशमी का जो दिन होगा, लोग अपने घरों में शस्त्र की पूजन करेंगे, शमी के पति का स्मरण करेंगे, उसके घर में कभी संपदा की कमी नहीं होगी और वीरता का आनंद होगा। वो शमी बड़ी बीमारी जिसको हो जाती है, लीवर, किडनी, कैंसर आदि आदि बड़ी बीमारियों से जो जूझ रहा होता है, प्रयास करो, प्रयास। महामृत्युंजय का जाप कर कर महामृत्युंजय जब हम समर्पित करने जा रहे हैं, तो एक अशोक सुंदरी वाली जगह पर जो भाग है, जो खिला हुआ भाग है, उसको इस तरह से रखते हैं कि शिवलिंग की ओर उसका खिला भाग जाए, और डंडी का भाग इधर गणेश जी, कार्तिकेय जी और 33 कोटि जो देवी देवता है उसको। दूसरा, शिवलिंग पर जब हम धतूरे का पुष्प समर्पित कर सकते, फूल का खिला हुआ जो भाग होता है उसका मुख हमारी ओर होना चाहिए, अर्थात डंडी का मुख जब शिवलिंग पर चढ़ाएंगे तो डंडी का मुख उधर हो और खिला हुआ भाग हमारी। कनेर का पुष्प इससे विपरीत में चलता है,
कनेर का जो पुष्प होता है उसकी डंडी का मुख हम अपनी ओर रख लेते हैं और खिला हुआ भाग महादेव की ओर कर देते हैं।